अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं लाहौरी चने, इन्हें चिकट छोले भी कहते हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, स्पेशली नाश्ते में पराठों के साथ और पूड़ियों के साथ तो बहुत ही लाजवाब लगते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने 2 कप चने लिए, यानी कि 1/2 kg। इन्हें मैंने कुकर में डाल के बॉईल कर लिया। आपने बॉईल करने से पहले इसे मेजर करना है, क्योंकि जब ये बॉईल होते तो ये फूल जाते और वॉल्यूम में डबल हो जाते हैं। बॉईल करने के बाद 1/2 कप मैंने चनों का निकाल लिया है और 1 मीडियम साइज का मैंने आलू ले लिया है, क्योंकि इसका हमने पेस्ट तैयार करना है। इसे मैंने चंक्स में काट लिया था ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए। यहाँ पे एक टिप है कि जब भी आप आलू को बॉईल करें थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि इसे मिठास खत्म हो जाए। अब चलिए एक मिक्सर में आलुओं को डाल लेते हैं और चनों को डाल के इन्हें ब्लेंड कर लेते हैं ताकि इनका पेस्ट रेडी हो जाए, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे। ये बन गया है। अब एक कढ़ाई में मैं 1/2 कप के बराबर ऑयल ले रही हूँ, इसे हम गर्म कर लेते हैं। ऑयल गर्म हो गया। अब यहाँ पे हम 2 मीडियम साइज के प्याज ले रहे हैं, इन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया था। प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, प्याज को आपने बारीक ही काटना है ताकि जब आप मसाला भुने तो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 से 2 मिनट लगेंगे इसे गोल्डन होने में। देखिए, गोल्डन हो गया। अब यहाँ पे मैं 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। ये अच्छे से फ्राई हो गए। अब चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 1 चाय का चम्मच नमक इस्तेमाल कर रही हूँ, आप हसबे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर के ले लिए। 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे धड़ा मिर्च का लिया है। 1 खाने का चम्मच यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर कर लिया है। 1 खाने का चम्मच यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर कर लिया, और इसी तरह से 1 खाने का चम्मच ही मैंने सूखा धनिया पाउडर कर लिया। इन्हें मसाले में डाल के अच्छे से कुक कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। यहाँ पे हमने कुछ मसाले छोड़ दिए जो कि हम एंड पे ऐड करेंगे। अभी मैंने आंच को हल्का किया है, आपने हल्की आंच पे मसालों को कुक करना है ताकि जले नहीं। देखिए, अच्छे से कुक हो गए। अब यहाँ पे जो हमने पेस्ट रेडी किया था आलू और चने का, वो हम ऐड कर देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। तो कि हमने इसे अच्छे से कुक कर लिया। अब यहाँ पे हम चने डाल देते हैं जो कि हमने उबाल के रखे थे। मैंने चनों को ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था और सुबह उठ के इनको कुकर में उबाल लिया था। 35 से 40 मिनट में कुकर में चने अच्छे से गल जाते हैं। इन्हें भी अच्छे से मिक्स करके हम थोड़ा कुक कर लेते हैं। देखिए, अभी से कितने मज़ेदार लग रहे हैं। अब यहाँ पे मैं 1 खाने का चम्मच आमचूर पाउडर का डाल रही हूँ और 1/2 चाय के चम्मच यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। इन्हें भी अच्छे से मिक्स करके कुक कर लेते हैं। इन्हें आपने एंड पे ही शामिल करना है। यह कि काली मिर्च से और आमचूर पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाता है। अब यहाँ पे मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, या फिर आपने जितना इसका शोरबा रखना है, जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है, उस हिसाब से आप पानी ऐड कर दें। अच्छा, यहाँ पे गर्म या ठंडा पानी ऐड करने की कोई साइंस नहीं है, बस आपने पानी ऐड करना है। इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए ढक रही हूँ लो फ्लेम पर। देखिए, तकरीबन 5 मिनट हल्की आंच पर ये कुक हो गया था, और देखिए कितने अच्छे से ये तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पे मैं 1/4 कप यानी कि 1/4 कप दही का ऐड कर रही हूँ। ये लगभग 4 टेबल स्पून बनता है। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेते हैं, जब तक कि दही इस पर डिज़ोल्व नहीं हो जाता और अच्छे से पक नहीं जाता। ये देखिए, बिल्कुल रेडी हो गया है। अब यहाँ पे मैं 3 से 4 टेबल स्पून है हरा धनिया, ये मैंने बारीक काटा हुआ था, इसमें शामिल कर देती हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप होता है। और बस यहाँ पर मैं चूल्हे को बंद कर दूँगी।
या ब्रेडी हो गया। अब चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। अब इसमें हरी मिर्चें, अदरक और ताज़ा धनिया हम थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं। इससे प्रेजेंटेशन और टेस्ट दोनों ही कमाल के होते हैं। हमारे मज़ेदार चिकन छोले रेडी टू सर्व हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।